कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, अशोक गहलोत जिंदाबाद, अशोक गहलोत जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, अलंबर जिला रहेगा, हसन साबला साथ रहेगा, अलंबर जिला बनेगा, हसन साबला साथ रहेगा। सलुम्बर को जिला बनाने पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार व्यक्त करते हुए CWC राष्ट्रीय कमेटी के सदस्य पूर्व सांसद रघुवीर सिंह मीणा का नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम गांधी चौक सलुम्बर में आयोजित किया गया। इस दौरान डूंगरपुर जिले के साबला और आसपुर पंचायत समिति के कांग्रेस के कई कार्यकर्ता कांग्रेस के नेता करण सिंह चौहान के नेतृत्व में सलुम्बर पहुंचे। दरियाबाद विधानसभा के भी सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता विधायक नगराज मीणा के नेतृत्व में सभा स्थल पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राहुल गांधी सोनिया गांधी के जयकारे भी लगाए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सलुम्बर को जिला बनाकर लंबे अरसे से चली आ रही मांग को पूरा किया है। उन्होंने यह कहते हुए सलुम्बर को जिला घोषित करने के बाद बेणेश्वर को लेकर विरोधाभास भी प्रकट हो रहा है। इसी बीच कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इस विषय को लेकर भी क्या कहा, ये भी सुन लीजिए। आज हम सलुम्बर में हमारा नया जिला घोषित किया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और हमारे इस क्षेत्र के पूर्व सांसद और AICC के वरिष्ठ सदस्य सम्मानी रघुवीर सिंह जी मीणा साहब और हमारे दरियावत के विधायक नगराज जी मीणा के प्रयास से जो हमारा नया जिला बना है सलुम्बर, यहाँ पर पूरा सलुम्बर जिले के सभी जो इस अक्षेत्र सलुम्बर जिले में मिलने वाले सभी अक्षेत्र से आम लोग माननीय रघुवीर सिंह जी मीणा साहब और नगराज जी मीणा साहब का स्वागत समारोह के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। और ये जिला बनने से इस क्षेत्र में मेवाड़ और वागड़ का जो रिश्ता पुराना बना हुआ है वो रिश्ता भी आने वाले समय में मेवाड़ और वागड़ का बना रहेगा, और आसपुर और साबला क्षेत्र जो इस क्षेत्र में मिलाया जा रहा है वो क्षेत्र के आम जन 99% उस क्षेत्र की जनता इस क्षेत्र में मर्ज करने से काफ़ी खुश हैं, क्योंकि डूंगरपुर हमारा एक तरफ पड़ता था और यहाँ ये आम रूट से बना हुआ है। इसके साथ साथ हमारी एक मांग और भी है कि हमको जो हमारा संभाग है वो संभाग भी हमारा उदयपुर ही रखा जावे सलुम्बर जिले का, ताकि सलुम्बर और उदयपुर और हमारी ये जो सीधी लाइन बनी हुई है वो बनी हुई है। कुछ लोगों ने एक भ्रम पैदा किया है कि बेणेश्वर धाम और बिजवा माता और आशापुरा जी मंदिर माता जी के वगैरह जो डूंगरपुर के नाम से प्रख्यात हैं और वो होगा, लेकिन उससे आने वाले समय में कोई फर्क नहीं पड़ता। धर्मस्थान तो ये तो हमारा राष्ट्रीय तीर्थ है और ये तीर्थ बने रहेंगे, उसमें कोई उठा करके सलुम्बर में वो नहीं आ जाएगा या डूंगरपुर में नहीं चला जाएगा, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। लेकिन कुछ स्वार्थी लोग अपना मतलब सिद्ध करने के लिए इस तरह की हवाएं चला रहे हैं जिससे आम जन नाराज है। इसी वजह से हमारे साबला और आसपुर क्षेत्र के आम कार्यकर्ता और सभी वरिष्ठ नेता यहाँ आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं और सबकी एक ही मंशा है कि सलुम्बर जिला बना रहे, आसपुर साबला इसके साथ रहे। आज हम लोग सब यहाँ पर इकट्ठे इसलिए हुए हैं कि हमारे यहाँ पर बरसों से जो मांग थी जिला बनाने की सलुम्बर को, वो इस वित्तीय वर्ष बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसकी घोषणा करके हम सबको बहुत बड़ी सौगात दी है। हम संपूर्ण इस ज़िले में मिलने वाले सभी तहसीलों के नेताओं की ओर से, कार्यकर्ताओं की ओर से, आम जन की ओर से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूँ, आभार व्यक्त करूँ, जिन्होंने हमारी मांग को स्वीकार करके पूर्ण करने का प्रयास किया है और घोषणा की है। देखिए, लंबे समय से इसकी मांग चली आ रही थी, लोगों ने खूब धरना प्रदर्शन किया, मांगे रखी, हड़ताल की, परंतु एक समय आया माननीय मुख्यमंत्री के दिमाग में एक साथ 19 जिले बनाएं, जो विपक्ष वाले सोच रहे थे कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं, अपने कांग्रेस ने तो ऐसा पाटा फेर दिया
कि विपक्ष वालों को बोलने के लिए कोई शब्द भी बाकी नहीं रहा है, पर वो अंदर ही अंदर घबरा रहे हैं कि अब हमारा क्या होगा। राजस्थान में आने वाले 2023-24 के चुनाव में, इसी साल में चुनाव है, मैं निवेदन करूंगा, सब जनता जाग चुकी है और राजस्थान के मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार से जो योजनाएं दी हमारे सबके लिए, जिले तो बनाए 19, इसके अलावा 3 संभाग बनाए और आम जन को इतना लाभ दिया है, आज़ादी के बाद पहली बार किसान को 2000 रुपये प्रति महीना बिजली फ्री, 100 यूनिट बिजली फ्री घरेलू कनेक्शन के लिए, सिरिंज योजना में 25 लाख रुपए का तक इलाज फ्री और दुर्घटना बीमा में कोई किसी प्रकार की दुर्घटना घटना हो जाए उस मृतक के परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा तत्काल, और जो पेंशनधारी हमारे हैं उनको 1 अप्रैल से प्रति महीना सबको एक समान रूप से 1000 रुपये पेंशन मिलेगा। इस तरह से कई इतनी बड़ी बड़ी माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी जनता को सौगात दी है, जनता आतुर है माननीय मुख्यमंत्री जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाने के लिए। तो मैं निवेदन करूंगा आप सभी मीडिया के साथियों से, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा आम जनता की इसकी सूचना पहुँचाएँ, आम जन को इसका लाभ मिल सके और ये जो हमारा जिला बना है, ये जिला जिन जिन तहसीलों को मिला करके बना है, ये उदयपुर संभाग में रहे, ये भी मेरी मांग है। हम सब पुरजोर से माननीय मुख्यमंत्री जी को इसके लिए अवगत कराएंगे और ताकत भी लगाएंगे, जनता की ताकत को उनको बताएंगे। मैं बहुत बहुत सबको आभार व्यक्त कर रहा हूँ और फिर से माननीय मुख्यमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद दूँ। जय हिंद। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री अशोक गहलोत ने जो 19 जिले राजस्थान के बनाए नए, उनका बहुत बहुत आभार, और हमारा सलूम्बर जिला बना उसके लिए रघुवीर जी मीणा को बहुत बहुत आभार, और इस जिलों के बनने से हमारे युवाओं में और आसपुर साबला की जनता में पूरा जोश है कि हमको सलूम्बर जिला नया सौगात मिली, इससे हमारे युवाओं में नौकरियों की बहुत अच्छी तादाद बनेगी, ऑफिस आएंगे नए नए तो रोजगार के बहुत प्रचार मतलब इसके होंगे, आयाम बढ़ेंगे और युवाओं को बहुत फ़ायदा है, और सलूम्बर जिला बनने से आसपुर और साबला तहसील को बहुत फ़ायदा है, इसको यथावत रहने दिया जाए। और रही बात वागड़ प्रयाग बेणेश्वर धाम की, तो वो रियासतकालीन से वागड़ प्रयाग ही और बेणेश्वर धाम भी है, वो भी सलूम्बर में रहेगा तो भी वागड़ प्रयाग ही कहलाएगा और डूंगापुर में रहेगा तो भी वागड़ प्रयाग ही कहलाएगा, इसलिए हमको सलूम्बर और आसपुर तहसील सलूम्बर जिला में यथावत बना रहे, ऐसी मेरी आग्रह मीडियाकर्मी से। मेरा नाम दिनेश खेमोत, ये साबला तहसील जी। सागवाड़ा लाइव न्यूज, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।